छुपाने के लिए, अपनी गलतियों पे पर्दा लगाने के लिए सरकार विपक्ष को ऐसा दोषी ठहरा रही है। तो अभी अभी हम सबके सामने जो सरकार यूपी में कर रही है, जो सरकार दिल्ली में कर रही है, जो सरकार नॉर्थ ईस्ट में कर रही है, हम सबके सामने, भले ये जो मीडिया हैं जो जो बुरी तरह बिक चुके हैं, वो कुछ ना दिखाएं, वो उनके गुलाम बन जाएं, लेकिन हम लोग बोलते रहेंगे। क्या लगता है कि NRC का भी विरोध हो रहा है साथ साथ ये, कि जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि NRC का तो देश में कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, इस पर क्या है? आप पीछे वीडियोज उठा के देख लें, इनकी वेबसाइट जा करके देख लें, इनकी पिछले 5-6 साल के मैनिफेस्टो से पढ़ लें, उसके बाद जो अमित शाह ने, जो मोदी जी ने, इन लोगों ने जो बातें बोली हैं, आप उसे देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना प्लान्ड वे में CA NRC सब कुछ प्लान है। इन्होंने आने से पहले ही इन ये आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं अपने राष्ट्र RSS से, वो कच्छा पहन पहन करके इन्होंने वीर सावरकर की पूजा की है, और इन्होंने बोला है जो वीर सावरकर, जो हमें सबको पता है कि वो देशद्रोही, तो उनकी वो उनकी विचारधारा पे चल रहे हैं, जो गांधी को गलत ठहरा रहे हैं, जिसको पूरा विश्व मानता है। तो सरकार से आप क्या सोच सकते, वो सरकार से आप क्या सोचेंगे, वो क्या करेगी और क्या बकेगी? तो राइट नाउ जो भी सरकार कर रही है, द पोजिशन व्हाट दे आर इनटू एंड व्हाट दे आर डूइंग इट, दैट्स सो वर्स्ट। अभी बहुत डरावना है ये, और अगर हमें नहीं दिख रहा है, अगर लोग नहीं देख रहे हैं, अभी भी नहीं देख पा रहे हैं, कश्मीर जैसी हालत पूरे देश में होने वाली है, और कुछ समय बाद ये जो लोग हैं, ये जो ऐसा रंग बिरंगा देश है हमारा, वो ऐसा एक कलर में बनने वाला है, और फिर जाति की लड़ाई होगी धर्म के बाद, फिर जाति के बाद लैंग्वेज की लड़ाई होगी, और फिर यहाँ पे सिविल वॉर की स्थिति हो जाएगी। भले हम कहें नहीं नहीं हमारे यहाँ सब ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा, तो ये हम अपने आप को बचा रहे हैं, ये हम अपने आप को वो एकदम ऐसे कंफर्ट जोन में रखने की बात कर रहे हैं, ये सच्चाई ये है। क्या लगता है, आप रोहित शर्मा नाम बताए ना, रितेश शर्मा, जिस हिंदू राष्ट्र की लगातार जो है BJP के कई MP बात करते रहते हैं, क्या उस तरफ ये कदम है? और अगर कदम है तो हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो फिर आप तो खुद हिंदू हैं, तो आपको किस तरह से दिक्कत है? ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र था नहीं। जब 1947 विभाजन हुआ तो जिन्ना ने एक राष्ट्र का डिमांड किया था जो धर्म के नाम पे था, और पाकिस्तान बना। उसके बाद पाकिस्तान को बहुत समय बाद समझ में आया कि ये गलत है, और पाकिस्तान ने काम करना शुरू कर दिया। हमारे देश की सबसे खास बात थी कि जब हमारे यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे, उन्होंने डिवाइड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, तो हमने ये कहा था कि बस हमारा जो देश है ना, वो ऐसा, हमारे यहाँ कमल भी है, हमारे यहाँ गुलाब भी है, हमारे यहाँ सारे फूल एक साथ हैं, और हमारे यहाँ इतनी लैंग्वेज, इतने धर्म और एक साथ रहेंगे। तो वो जो वसुधैव कुटुंबकम वाली चीज़ है हमारे अंदर, जब हम सारे धर्मों का सबका सम्मान करते हैं, अगर ये खत्म हो जाएगा ना, तो देश खत्म हो जाएगा। भारत वो भारत नहीं रह जाएगा जिसका सपना भगत सिंह ने, आज़ाद ने, गांधी जी ने देखा था, वो भारत को हम खुद अपने सामने उसका खून होता हुआ देखेंगे। तो ये तो खतरनाक, हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी करना, किसी एक धर्म की कल्पना भी करना इस देश में खतरनाक है। क्या लगता है, मोदी जी अपने ट्विटर से कह रहे हैं कि इंडिया से सपोर्ट इंडिया CA, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मोदी जी को भी इससे डर लगने लगा है? मैंने हिटलर को देखा नहीं था, मैंने हिटलर को सुना था, उसकी किताबों में पढ़ी थी उसकी बात, और बड़ा डर लगता था। वो ये पता था कि हिटलर एक आर्टिस्ट था, उसके बाद वो हिटलर बना, और हिटलर के बाद वो कितना कुछ उसने किया और कितना कुछ खत्म किया। हम हिस्ट्री से सीखे नहीं, मोदी और अमित शाह उसी हिटलर शासन से आ रहे हैं। 2002 में गुजरात दंगे जब हुए थे, उसके बाद से जो लोग भी उसके खिलाफ बोलते रहे, वो धीरे धीरे या मरते गए या उनको मार दिया गया, चाहे कुलबर्गी की हत्या देख लीजिए, गौरी लंकेश की हत्या देख ली, ऐसी कई हत्याएं हुई हैं देश में। तो ये हाँ, बहुत सारे लोग, तो जिस तरीके से ये अब जिस तरीके से राज कर रहे हैं और राज करने की कोशिश कर रहे हैं देश में, अगर इस लोकतांत्रिक देश में ये हुआ तो ये लोकतांत्रिक देश नहीं रह जाएगा, सिर्फ ये नाम रहेगा, ये हम सिर्फ गणतंत्र और सारे जहाँ से अच्छा बोलते रहेंगे, लेकिन सारे जहाँ में अच्छा कुछ रहेगा। तो हम सबको डरने की ज़रूरत है भाई साहब, मीडिया ख़त्म हो चुकी है, जर्नलिज्म को इन्होंने काट दिया, इसकी जड़ें उखाड़ दी हैं। तो JP आंदोलन से लेके के पुराने आंदोलन को उठा करके देख लें, यही लोग लीडर थे, और इन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है, जब कांग्रेस में ये सारी चीज़ें हुई थी। आज जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है तो इनकी हालत ख़राब हो रही है, और इनको डर इसीलिए लग रहा है, इसलिए पहला अटैक ये FTI पे करते हैं, उसके बाद ये JNU पे अटैक करते हैं, ये MU पे अटैक करते हैं, ये जामिया पे अटैक करते हैं। ये देश में ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों के अंदर ऐसा हिंदू मुस्लिम दो तरह के लोग बन जाएं, और ऐसे लड़ाइयाँ होने लगे, यहाँ टेंशन क्रिएट हो जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए। पर इतनी बेवकूफ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, ये चाहते नहीं है ना कि लोग पढ़ें, इसलिए फीस बढ़ा दे रहे हैं कि लोग गरीब लोग जो हैं पढ़ नहीं पाएँ, और वो हमेशा से गरीब रहें और जाहिल रहें, और हम इन पर राज करते हैं। तो ये ऐसा हो नहीं पाएगा, मतलब मुश्किल है ऐसा होना। लोग लड़ रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, चाहे मीडिया ना दिखाए,
चाहे मीडिया इस पर बात ना बोले, लोग खुद बोलेंगे, कुछ अल्टरनेटिव मीडिया आप जैसे मीडिया ये लोग बोलेंगे, चाहे ये कितने लाठी उठाएं, ये गोली बरसाएं, ये आंसू गैस छोड़ें, लोग खड़े होंगे। भाई साहब लिमिट होती है किसी चीज़ की, अभी लिमिट पार कर चुके हैं वो ना, तो अब लोग खड़े होंगे, लोग बाहर आ रहे हैं, लोग अपनी चीज़ें छोड़ करके आ रहे हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं लोग, जो लोग नहीं आ पा रहे अभी भी वो ऐसे कंबल में उड़ के बैठे हुए हैं, तो समझिए कि वो फिर अपने बच्चों को जो आगे की जनरेशन है उनके लिए वो ऐसा भारत देंगे जो बड़ा डरावना होगा। वो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन जो सामने वाला होगा, जो वो सवाल पूछेगा कि पापा मम्मी भैया दीदी आप क्या कर रहे थे जब देश में ऐसा हो रहा था, तो हमारे पास आवाज़ नहीं होगी। आप जर्मनी का एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ पे आज उनके जो पोती पोते हैं, जो उस टाइम पे नाजी सपोर्टर्स थे, उनके पोती पोते उनको बोलते हैं कि आपने क्यों किया है ऐसे, उनको गाली देते हैं। ठीक है, अगर आज आप सक्सेसफुल भी हो गए, बट कब तक सक्सेसफुल होंगे? कभी ना कभी हारेंगे आप, कभी ना कभी आपकी हार होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जो आज लोग नहीं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको वही उनके खुद के पोती पोते आगे आगे जाके उनको उनको वो करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे, उनसे सवाल करेंगे, उनको गाली देंगे, बोलेंगे कि आपने हमारा जो इतना खूबसूरत देश था उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि आपने उस टाइम पे आवाज़ नहीं उठाई अपनी। मुझे यही बोलना है। मोदी जी बोलते हैं कि क्यों इस देश को मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है इससे, और उनको हम पे भरोसा करने की ज़रूरत है। भरोसा कीजिए, हम कैसे भरोसा कर लें कि अभी एक उनका हरियाणा के जो उनके एक पार्टी मेंबर है, उनके मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, लीला गुर्जर, उनका ये स्टेटमेंट आता है कि मियाँ जी ये मनमोहन सिंह का, नेहरू का और गांधी का देश नहीं है, ये मोदी का देश है। एक इशारे पे सफाई कर ख़त्म कर दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। आप किसको आप मियाँ जी एड्रेस कर रहे हैं पहले आप ये बताइए। दूसरी बात, ये मोदी जी का देश तभी अभी हुआ है, वो अभी इसीलिए सरकार में आ पाए हैं क्योंकि देश आज़ाद हुआ और हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमने उनको वोट किया है, जो कि गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी की वजह से हुआ है। चाहे आप मनमोहन जी को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आप उनको कुछ नहीं कह सकते। तो आप ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपकी कभी साध्वी प्रज्ञा की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, वो तो गोडसे को भगवान माने बैठी हैं, उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, तो ये जो उनके मिनिस्टर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं, तो इसलिए इस देश का मुसलमान भरोसा नहीं कर पाता है जी। लेकिन मुस्लिम मिनिस्टर भी हैं, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी जी, वो कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है छात्रों को, और भारत के मुस्लिम्स को कोई भी जो है यहाँ से नहीं, बिल्कुल भी उनकी नागरिकता पर सवाल नहीं खड़े कर सकता, उनके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात, आप अगर मुख्तार अब्बास नकवी जी बोल रहे हैं, तो मैं आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अमित शाह जी आपके विपक्ष हैं या आपके साथ हैं, क्योंकि सबसे पहली बात उन्होंने यही बोली थी। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले CAA आया है, अब NPR आएगा, फिर NRC आएगा। तो आप डिसाइड करिए पहले कि अमित शाह जी आपके विपक्ष हैं या आपके साथी हैं, क्योंकि भड़काया तो उन्होंने ही है, बोला तो उन्होंने ही है। आप चाहे उनको भड़काना कह लीजिए या उनका झूठ कह लीजिए या उनका सच कह लीजिए, झूठ बोल रहे हैं तो उन्होंने गलत किया है जिसको मोदी जी समेट रहे हैं, सच बोल रहे हैं तो प्रोटेस्ट तो ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि हम तो ये गलत कॉन्स्टिट्यूशन का जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं आप, उसको उड़ने नहीं देंगे, हम उसको ख़राब नहीं होने देंगे। अपने देश का ये जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन हम जो है सिटीजनशिप नहीं देंगे, उस चीज़ को हम वायलेट नहीं होने देंगे, आर्टिकल 14 को हम वायलेट नहीं होने देंगे। आप अभी सत्ता में आए हैं और जो बना के गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, आप वो बिगाड़ दे चले, कुछ सोचिए आप कि आप कर क्या रहे हैं। आप उल्टे सीधे चीज़ें ला रहे हैं देश के अंदर, कम्युनल टेंशन बढ़ा रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं हम इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम ये करेंगे, आप हमारे पैसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे पैसों पे रैलियां निकालेंगे। अगर इसी चीज़ को अगर आप ढंग से किसी हमारे एजुकेशन सेक्टर में यूज़ करें, हमारे GDP को इम्प्रूव करने में यूज़ करें, तो हमारा पैसा कामयाब भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली है तो हमारा ही पैसा जिससे आप देश की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके के बिल पास करा के उनको लागू करा के उनके लिए बजट निकलवा रहे हैं, तो ये तो है तो हमारा ही पैसा। हमें नहीं चाहिए NPR, हमें नहीं चाहिए NRC, हमें नहीं चाहिए CAA से हो सकता है कि हाँ देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि CAA जब वो लागू कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या जो आपके खुद के देश की GDP
भी कितनी अच्छी है, पाकिस्तान से तो बड़ा कंपैरिजन करते हैं आप। अब अभी कंपैरिजन नहीं कर रहे कि उससे भी नीचे हमारी जीडीपी चली गई है, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास इतनी सब कुछ नहीं है। उस पर आप CAA ला के बाहर के वो तीन कंट्रीज़ के उसको ला रहे हैं आप लोगों को, और खाली तीन कंट्रीज़ को क्यों, आप दूसरी श्रीलंका को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, वहाँ पर भी तो टमिलियंस हैं बहुत। तो आप, और उसके बाद मनोज तिवारी जी आज तक पे इंटरव्यू आके बोलते हैं, कहते हैं इंटरव्यू में कि देश हमारे जो वो है श्रीलंका का तो बॉर्डर ही नहीं लगता इंडिया से, और ये चले दिल्ली के CM बनने, ये बनेंगे जिनको इतना भी नहीं पता कि श्रीलंका का बॉर्डर इंडिया से लगता है कि नहीं लगता। वो समुद्र के बीच में लाइन आ गई ना, तो उन्होंने शायद चश्मा लगा के देखा नहीं, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने चश्मा लगा के देखा नहीं, उनको लगा कट गया है श्रीलंका। मतलब इतने इलॉजिकल स्टेटमेंट्स और इतने इलॉजिकल लोग भर दिए हैं भाजपा के अंदर कि कोई लॉजिक नहीं रह गया उन पर बिलीव करने का या उनको वोट देने का। और CAA लागू करके आप खाली ये तीन कंट्रीज़ के ला रहे हैं, उसके बाद कोई भी पता आपको क्या गारंटी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो वो लाएंगे नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो आप ही प्रोवाइड करोगे, क्या गारंटी है कि वहाँ से जो आप घुसपैठियों को निकाल रहे हो तो घुसपैठिया आएंगे नहीं, एजेंट्स भी आ सकते हैं रॉ एजेंट्स, और वहाँ पे तालिबान लश्कर ISI बहुत सारे टेररिस्ट आ सकते हैं, कोई भी घुस सकता है। तो आप अपने ही देश को अनसेफ कर रहे हो ऐसे लोगों को बाहर से ला के, और अपनी कुर्सी की पेटी आप पहले संभालें, बाद में दूसरों के बारे में सोचें, क्योंकि हमें इस वक्त साफ पानी साफ हवा चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज के अंदर इंडिया का भी कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, और हमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें हमारी GDP अच्छी चाहिए। पाकिस्तान से बहुत कंपैरिजन करते हैं आप इस चीज़ में भी कीजिए कि हमारी जो है GDP उनसे बदतर हो गई है, 4.5 हो गई है और नीचे जाएगी अगर अभी भी नहीं सुधरी, और डेड होती जा रही है। तो आप कुछ सोचिए, और NRC जो आपने इसके अंदर बार बार गलत बयानी आप कर रहे हैं, उल्टे सीधे झूठ ला रहे हैं, कभी अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं, कभी आप कुछ बोल रहे हैं, तो देश अब कन्फ्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने हमारे पास एजुकेशन है जो कि शायद आपके आपके लोगों के पास नहीं है। तो आप खुद समझ लीजिए पहले, फिर हमें समझाइएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली, आप कुछ समझ लीजिए, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको अब आपके सामने ये सिचुएशन हो गई, इधर कुआं इधर खाई, जाए तो जाएगा हमारा वार, हमारा जो पार्टीशन की थिंकिंग थी हम ही पे भारी पड़ गई है, हम लोगों को अलग करने चले थे और ये तो हो गए एक, तो ये आप पे भारी पड़ गया है, आप समझ लीजिए पहले। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।